खाया जब उन्हें सत्ता 2014 में मिली थी, तो उस समय ऐसा सरकार था जो भ्रष्टाचार से, ये जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, उन्होंने देश को एक तरह से भ्रष्टाचार में डुबा दिया, विकास एकदम थम सी गई थी। उस जगह से मोदी जी ने हमारे देश को आगे लेके बड़े स्वच्छ भारत का अभियान लेके चले और आयुष्मान भारत को लेके चले, ऐसे ऐसे योजनाएं उन्होंने लाया जिसे हमें आज अपने लोगों को बताने की आवश्यकता है। और यही योजनाओं को लोग की इतने सारे अनेक योजनाएं उन्होंने लाए हम लोगों के बीच में, जिन्हें हमें जनता के बीच में पहुंचाना। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो लोग हैं भारतवर्ष में, उन लोगों का याददाश्त बहुत कम होता है। अगर हम आपको यहाँ पे 10 योजना बोलेंगे, आज हो सकता है कि हम ये भी 100 जितना योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, वो सारे योजनाओं का नाम बोलना पड़े तो वो सारी योजनाएं हमें याद में नहीं होगी। लेकिन जितना योजना उन्होंने किया वो हमें आज गूगल में खोलेंगे तो सर्च करेंगे तो सारा मिल जाएगा। कुछ योजनाएं आज हम लोगों ने बोला कि ये योजनाएं हैं, हमें अपने लोगों के बीच में जाना है, याद कराना है कि इतना सारा काम आप देखिए, चाहे आपके घर में शौचालय बनाओ, चाहे आपके घर में गैस का चूल्हा लगाओ, चाहे आज प्रधानमंत्री आवास बनाओ, जो पहले 40,000 में आप देखते थे इंदिरा आवास बनता था, आधा अधूरा रह जाता था, लेकिन आज ऐसा प्रधानमंत्री आवास बनता है जिसमें लोग जाके गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सारा चीज मोदी जी का देन है। आज भारत का गौरव बढ़ा है। आज हम ये कह सकते हैं कि चाइना को हम आंख से आंख, डोकलाम का आपको याद होगा कि हम चाइना को आंख से आंख दिखा सकते हैं। जरूरत पड़ा तो जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पे अंबाला में आके, पठानकोट में आके हमला किया, तो ये मोदी जी थे जो चाइना में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया और उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके उसके सैनिकों को मारने का काम किया। ये आज नया भारत है, मोदी का भारत है, इसलिए ये संभव। जो विपक्ष है उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। आप देख लीजिए, जब डबल इंजन की सरकार थी झारखंड में, तब जाके इतने वर्ष के बाद जब डबल इंजन की सरकार बनी, तब हमारा विधानसभा बना, अपना नया विधानसभा बना जिसमें हमारे माननीय विधायक जी बैठते हैं, वो भी रघुवर जी की देन है। और आज आपको कुछ समय पूर्व याद होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का नया पार्लियामेंट का भी उद्घाटन किया, इसका बहिष्कार कांग्रेस के लोगों ने किया। जितना विकास का काम हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। यही संवाद हमें जनता के बीच में लेके जाना। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल पीछे जाएंगे तो जो महागठबंधन की सरकारें थी उस समय हिंदुस्तान की क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी, लोग हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार के नाम से जानते थे, घोटालेबाज के नाम से जानते थे। लेकिन आज विश्व के पटल पर हिंदुस्तान को जानता है विकसितशील भारत, मेक इन इंडिया। मोदी जी का जो कल्पना था मेक इन इंडिया, कि जो भी सामान बनेंगे भारत में बनेगा, आज यहाँ पर लड़ाकू विमान बन रहे हैं, आज यहाँ पर मोबाइल बन रहा, आज हम मोबाइल के क्षेत्र में जो भारत आयात करता था, आज हम मोबाइल को यहाँ से 60% निर्यात करते हैं। हम विकास के विषय पर जाना चाहेंगे तो आप कल्पना करिए, 9 साल के अंदर में जो राज्य में देश के युवा शक्ति को जो आकांक्षाएं थे, उन आकांक्षाओं को पूरा करने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सफल हुए। आज हमारे बीच में सांसद महोदया नहीं है, इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है। आज धनबाद में
रोजगार मेला लगा हुआ। आज युवाओं को वहां पर लगभग 72 से 73 हजार पूरे देश में लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे। इसलिए आज सांसद महोदय हमारे बीच में नहीं है। आप अगर आज भारत के हर दिन, भारत में हर दिन 2 कॉलेज का निर्माण हो, अगर हम कल्पना करें तो मोदी जी के नेतृत्व में हफ्ते में 2 दिन, हफ्ता में 2 यूनिवर्सिटी का निर्माण होता। हम आपको बताना चाहते हैं 14 के पहले यूनिवर्सिटियों की संख्या मात्र 387 था, जो आज बढ़कर 993 हो। अब कल्पना करिए 9 साल के अंदर में दुगुना यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में हम भारत आगे बढ़ा है। 9 साल के अंदर देश में जहां पर 7 नए IIM बना, वहीं 7 नए IIT बना, और देश आजादी के बाद इस देश में मात्र 7 एम्स था। मोदी जी के कालखंड में 15 IIMs बना, एम्स बना, जिसका उदाहरण है देवघर। कौन कहता है विकास नहीं हुआ? अगर आप सोचना चाहते हैं कि भारत विश्व का सबसे स्टार्टअप के स्तर पर सबसे बड़ा विकसित देश बना है, आज यहाँ पर देश में लगभग 9071 से अधिक स्टार्टअप है, और दुनिया में भारत को 100 से आइकॉन है। जिस तरह से कोई भी कंपनी में आइकॉन होता है, उसका प्रचारक होता है, उसका एम्बेसडर होता है, उस तरह से आज स्टार्टअप इंडिया में लगभग 97 हजार लोग हमारे उसमें जुड़े हुए हैं, और 100 उनका आइकॉन है, वो हमारा प्रचारक एम्बेसडर है। अगर आप किसान कल्याण की बात करें तो किसानों को सुनिश्चित दुगुनी आय कैसे हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत देश में लगभग 11 करोड़ किसानों को प्रत्येक साल 6,000 रुपया देकर के उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। जहां कृषि का बजट 9 साल के अंदर 6 गुना में वृद्धि किया गया, वहीं पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों को अपने दुर्दशा पर छोड़ दिया। आप राज्य के अगर राज्य की तुलना करें तो देश के राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी थे, उन्होंने प्रत्येक एकड़ पर 5,000 और 5 एकड़ पर 25,000, लेकिन ये हेमंत सरकार की यूपीए की सरकार बनते ही यहाँ के किसानों के महत्वपूर्ण योजना को बंद करने का काम किया। जिस तरह से कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के द्वारा निर्देशित अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री राम बहादुर पासवान जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस क्षेत्र से 3-3 बार प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री केदार हजरा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और चमुआ विधानसभा के निवासी श्री प्रणव कुमार वर्मा जी, प्रदेश के द्वारा इस कार्यक्रम का जो मुख्य अतिथि हैं अनुसूचित मोर्चा के द्वारा, वो हमारे गिरिडीह के मेयर श्री सुनील पासवान जी, मंच पर के साथ पार्टी के कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाने में असफल होते हैं तो पार्टी को नहीं खुद अपने आप को हम धोखा देने का तो जवाब नहीं दिया गया है। दूर 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 जाकर के सभी एकक लोगों से मिल करके मोदी जी के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को जो हमें भरोसा है, पूरा फिर एक बार हम आपसे आपको भरोसा हम दिलाते हैं। कठिन परिश्रम हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता के दिलों पर राज कर रहे हैं। आज हम उनके भी सपना तब साकार होगा जब यहाँ हजारों कार्यकर्ता एक साथ सोशल मीडिया में एक कार्य का बखान करेंगे।